सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। चिंता ने आज तक कभी किसी काम को पूरा नहीं होने दिया है, इसीलिए चिंता करना छोड़ दीजिए। गुस्सा होना बुरी बात नहीं है, गुस्से में बुराई तब है जब आदमी अपना विवेक खो दे। सफलता की घटना सबसे पहले आपके मन में घटती है, उसके बाद आपके जीवन में। आज का पंचांग 24 सितंबर 2022, दिन शनिवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, रात्रि 3:12 तक रहेगी। इसके उपरांत अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र सुबह 5:07 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:19 से 10:49 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:54 से 12:42 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगी। मेष राशि 24 सितंबर 2022, दिन शनिवार। आप पिछले कुछ दिनों से कोई बड़ी योजना बना रहे हैं, वास्तव में आज आपको यह बात महसूस होगी कि आप क्या करने जा रहे हैं और इसका आप पर काफी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अब आपके पास पीछे हटने का विकल्प मौजूद नहीं है। आपको इसी दिशा में विश्वास से आगे बढ़ना होगा और आपको जल्द ही यह भी एहसास हो जाएगा कि जितना आपने सोचा था यह काम इससे कहीं मुश्किल है, लेकिन फिर भी इसे असंभव मानकर छोड़ना दें। किसी दुर्घटना या चोट की वजह से मुकदमे की संभावना है, कड़ी मेहनत अभी जरूरी है। जो आप पर निर्भर है उनका ध्यान रखें, जैसे बच्चे और आपके पालतू जानवर। सेवा करना या स्वयं सेवक के रूप में कार्य करना अभी आपके लिए एक अच्छा अनुभव हो सकता है। दूसरों से अपने मनोभाव को बांटने और उन्हें समझने की कोशिश करें। आज आपकी प्राथमिकता आपका परिवार होगा। आप इस मनोरंजक और उत्कृष्ट समय को खुलकर जिएंगे। तोल मोल और सोच समझ कर शब्दों का प्रयोग करें, क्योंकि आपकी बातें किसी के दिल को दुखा सकती है। आपके जीवन साथी का प्यारा बर्ताव आपका दिन खुशनुमा बना सकता है। धन से जुड़े कोई मसला आज हल हो सकता है और आपको धन लाभ हो सकता है। अपने दोस्तों को अपनी उदास स्वभाव का गलत फायदा न उठाने दें। विवाहेतर प्रेम संबंध आपकी प्रतिष्ठा धूमिल कर सकते हैं। अगर आप अपने लक्ष्यों को पाने के लिए एकाग्रता से ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपकी उपलब्धियां आपकी उम्मीदों से ज्यादा होगी। ऐसे लोगों से जुड़ने से बचें जो आपकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचा सकते हैं। आपकी बीती जिंदगी का कोई राज आपके जीवन साथी को उदास कर सकता है। आप में भरपूर आत्मविश्वास और ऊर्जा महसूस करने की क्षमता है। हालांकि समय कुछ मुश्किलों वाला हो सकता है, किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद से रास्ते आसान भी हो जाएंगे। सरकारी कामों में सफलता भी मिलेगी। अभी का समय थोड़ा कठिन महसूस होगा, लेकिन आपके पास स्त्रोत होने की वजह से समय में किस प्रकार से सामना करना है यह आपको पता चलेगा। चिंता जैसी बात नहीं है, लेकिन संयम के साथ काम करके आप मार्ग में आने वाली तकलीफों को दूर कर सकते हैं। हर एक समस्या का हल वक्त के अनुसार मिलता रहेगा। करियर से संबंधित अवसर का ठीक से अवलोकन करके ही आगे बढ़ना होगा। लव रिलेशनशिप संबंधित नाराजगी होगी, लेकिन सकारात्मक बनाए रखने की जरूरत है। सेहत संबंधित हर एक छोटी बात पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। सावधानियां, व्यवहारिक दृष्टिकोण रखें। भावुकता की अधिकता की वजह से आप अपना नुकसान कर सकती हैं। लोग क्या कहेंगे इस बात की बिल्कुल भी परवाह ना करें। घर में व्यवस्था की वजह से बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान आ सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की।
पति पत्नी के बीच कुछ मनमुटाव की स्थिति बनेगी। बेहतर होगा कि एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। लव पार्टनर को कोई उपहार देना उचित रहेगा। अच्छा, आपको अपनी साथी से बहुमूल्य सलाह मिल सकती है। हो सकता है कि ये आपको सुनने में अच्छा ना लगे, लेकिन आप अपनी तरफ से इसे अच्छी तरह से सुनने के लिए प्रयासरत रहेंगे। यह आपके लिए काफी महत्व वाली बातें हो सकती है। यह वित्तीय मामला या आपके करियर या आपके परिवार से संबंधित हो सकता है। आपके लिए यह जरूरी है कि इस सलाह को नजरअंदाज ना करें, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। आज आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिलने वाले हैं जो पूरी उम्र आपका साथ देंगे। व्यस्त रहने के कारण आप अपनी साथी को कम समय दे पाएंगे। आपका रोमांटिक मूड प्यार में आपके उत्साह को और भी बढ़ा देगा। अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करना आज आपकी मुख्य प्राथमिकता होगी। आप सबसे बातचीत करके उन्हें लुभाएंगे। अपने साथी से प्यार का इजहार हर संभव तरीके से करें। यह आपके और आपके साथी के बीच के बंधन को मजबूत करेगा। आप दोनों साथ में कुछ मैजिकल पल बिता सकते हैं। बात करते हैं करियर की। आपका धैर्य से अब लाभ मिलने लगा है। आप एक लंबे समय से इसके लिए इंतजार कर रहे थे। इसके लिए आपने कभी अपनी मेहनत को पीछे नहीं रखा और अवसरों की तलाश करते रहे। आप जो चाहते थे धीरे धीरे वो आपको मिलेगा। आप संयमित रहें, इन लाभों का आनंद लें, लेकिन साथ ही साथ आसपास के लोगों से विनम्र रहें। आप किसी यात्रा पर जा सकती हैं एवं अपने आप को उपहार दे सकती हैं। आज दोस्तों के साथ समय बिताकर आप न केवल अपनी उदासी से छुटकारा पाएंगे, बल्कि अपने कौशल का प्रदर्शन भी कर पाएंगे। अपने उत्साह या सेवा की गुणवत्ता में बढ़ावा करके आप मार्केटिंग में धूम मचा सकती हैं। किसी खास से मिला धोखा आपके लिए भविष्य में सबक साबित होगा। कार्यालय और घर दोनों आपका समय मांग रही हैं। अगर आप दोनों जगहों में शांति चाहते हैं तो संतुलन बनाए रखें। आज आपके लिए अपने परिवार के साथ समय बिताने से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय कम मचा लें, साथ ही अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाएं। बात करते हैं सेहत की। आज आप भावनात्मक रूप से बहुत संवेदनशील रहेंगे। आप सोचेंगे कि आज बस मैं घर के आरामदायक माहौल में ही रहना चाहता हूँ। जिन चीज़ों से आप सुरक्षित महसूस करते हैं वे आपसे दूर हो जाएगी। लेकिन चिंता ना करें, आप अपनी प्रिय चीज़ों से केवल अस्थायी तौर पर दूर हो रहे हैं। अपने दिल की तो सुने ही, लेकिन फिटनेस पर ध्यान देना ना भूलें। आज का उपाय, आज अब गरीबों की सहायता करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।